Hello, class 12 students. Today we will study about Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge is this, you can see, is a circuit. This is the application of Kirchhoff's rule. Kirchhoff's rule हमने दो पढ़े हैं, एक junction rule और एक loop rule. किसी भी point पे current के junction पे current का total current will be zero. That वो junction rule था. Loop rule, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ज़ीरो, दैट इज़ ए लूप रूल. वही लूप रूल को हम यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे. व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है. ये हम रेजिस्टर्स की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसको समझ लेते हैं. इसका सर्किट इसी तरह से होता है. R1, R2, R3 and R4. These resistors are connected like this. In this around points आप देखिए A, B, C और D. इस तरह से नोट किए हैं. A और C के अराउंड हम सोर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे. सोर्स वोल्टेज को कनेक्ट किया जाता है, इसलिए उसको सोर्स वोल्टेज मीन्स बैटरी. बैटरी, दैट्स व्हाई दिस आर्म इज कॉल्ड A, C आर्म इज कॉल्ड द बैटरी आर्म. उसके एसी इज कॉल्ड बैटरी आर्म. दूसरा आर्म है बीडी में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है. इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है. गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू डिटेक्ट द करेंट. तो हमें इसको किस तरह यूज़ करना है वो हम आगे देखेंगे. इट इज़ गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट द करेंट. ये आप पहले भी देखा हो, पढ़ चुके होंगे 11th में. यहाँ पे इस बीडी आर्म को कहा जाता है गैल्वेनोमीटर आर्म, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है. अब इस रेजिस्टर व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए. ये हम दो लूप लेंगे. वन दिस लूप दैट इज़ कॉल्ड ए डी बी ए लूप, और दूसरा लूप लिया जाएगा सी बी डी और सी. ये जिस तरह से आप डायरेक्शन है उस तरह से ही कैलकुलेट करना है. अब ये अज्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन लाना है. करंट यहाँ पे ज़ीरो शो करना चाहिए गैल्वेनोमीटर में, तब हमें इस लूप की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. तो वी आर एज्यूमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज ज़ीरो. इन दैट केस करंट विल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम हेयर नेगेटिव टू पॉजिटिव. यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1, I2. फिर अगर यहाँ पे करंट आपका नल डिफ्लेक्शन है तो इन दैट केस दिस करंट विल फ्लो लाइक दिस. Then in that case I2 will be equal to I4 and I1 is equal to I3, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा. ये सारी कंडीशंस हैं. हाँ, तो फॉर अब लूप सॉल्व करेंगे. फर्स्ट लूप इज ए डी बी ए से हम चलेंगे. हम जंक्शन लूप रूल अप्लाई करेंगे अगर, तो यहाँ से चलेंगे I1 R1. अब I1 R1 इस डायरेक्शन में है तो माइनस I1 R1 लेना है. -I1 R1 इस तरह से लूप इधर जाएगा तो यहाँ पे तो करंट ज़ीरो है, सो वैल्यू विल बी ज़ीरो. देन दिस साइड यू विल कम, यहाँ पे अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन, तो ये +I2 R2 दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. टोटल विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ये फर्स्ट लूप हो जाएगा. सेकेंड लूप आपका कौन सा लिया हमने, सी बी डी सी से चलेंगे. तो यहाँ से इस तरह से जाएंगे तो -I3 R3 आएगा. -I3 R3 फिर ये डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तो +I4 R4 एंड यहाँ +0 इक्वल टू ज़ीरो. इस तरह से दो इक्वेशंस बनेंगी. अब देखिए, फर्स्ट वन हमने ये बता दिया था कि I1 I3 इक्वल रहेगा, I2 I4 इक्वल रहेगा. बैलेंसिंग कंडीशन आपकी अगर आ जाती है, दैट इज़ नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, तो ये कंडीशन हो जाएगी. देन अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल हम अप्लाई कर लिए तो दो इक्वेशन आएंगी, एक ADBA के लिए और दूसरी CBDC के लिए. अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आएगा I1 R1 इक्वल टू I2 R2, यहाँ से I4 R4 इक्वल टू I3 R3. फिर हमें पता है कि I4 इक्वल टू I2 है और I3 इक्वल टू I1 है. तो इन दिस केस वी सब्स्टिट्यूट दिस, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी I2 R4 इक्वल टू I1 R3. इसको हमने फोर्थ इक्वेशन नंबर दिया है. अब डिवाइड करेंगे थर्ड इक्वेशन ये है. थर्ड ए और फोर्थ इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो I1 R1 / I1 R3 इक्वल टू I2 R2 / R2 R4 आ जाएगा.
इसमें से I1 कैंसिल, R2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू R1/R3 इक्वल टू R2/R4। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1/R2 इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू R3/R4। दिस कंडीशन इज नोन एज द बैलेंस कंडीशन। यहाँ पे रेशियो इक्वल आ रहा है तो यहाँ पे आप R4 की जगह पे कोई अननोन रेजिस्टेंस रख के R3 को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि R1 R2 तो नॉन रेजिस्टर्स ले ही लेंगे, R3 को इस तरह से एडजस्ट करिए कि आपका नल डिफ्लेक्शन आए, तो फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके आप R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से डिटरमाइन करने के लिए दिस इज़ द ब्रिज फॉर डिटरमाइनिंग अननोन रेजिस्टेंस। इसकी एप्लीकेशन होती है मीटर ब्रिज जो हम यूज़ करते हैं लैब में टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंसेस। थैंक यू।